इलाहाबाद के अकबरपुर सलाहपुर के रहने वाले वहीद अहमद सिलाई का काम करके परिवार का खर्च चलाते हैं। पिछले कई सालों से पैसों के अभाव के चलते अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे। दरअसल इलाज के लिए करीब 50,000 रुपए की जरूरत थी। जब हम परेशान थे इस बच्चे के पीछे, तो हम इधर उधर जो है अस्पतालों में डॉक्टरों के पास आते जाते थे और उनसे पूछते थे, तो हमें जो है इतना ज़्यादा पैसा बता रहे थे, चूँकि हमारे बस की बात नहीं थी। सिलाई के अल्ट्रेशन काम करते हैं घर पे बैठ के, और हमारा कोई न दुकान है न कोई कारोबार है। हम जैसे गरीबों आदमी के लिए जो है इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना मुश्किल की बात है। वहीद को जब पता चला कि उनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लिस्ट में शामिल है, तो उनका हौसला बढ़ा। इस योजना के तहत उनके बेटे का इलाज फ्री में हुआ। हम यहाँ आए हॉस्पिटल के अंदर, तब हमको जानकारी हुई, तब उन्होंने जो है बताया इसके बारे में, कैसा है कि आप परेशान ना होइए, सरकार ने जो है इसी योजना निकाला है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि गरीबों को उसमें भला होगा। तो जब उन्होंने हमको बताया तो हमारा जो है और हौसला बुलंद हुआ। जिस पिता को अपने बेटे के इलाज की उम्मीद कहीं से नहीं थी, इस योजना के बाद वहीद के बेटे अकील का सकुशल इलाज हो गया और अब वहीद अपने बेटे को सही सलामत देखकर बेहद खुश हैं और सरकार की योजना से पूरी तरह संतुष्ट भी हैं। एक परेशान आदमी को अगर जरा से भी सहारा मिल जाए तो इससे बढ़िया लाभ क्या है बताइए, जो कि इतनी ज़्यादा रकम के हमारे लिए, तो इतनी ज़्यादा रकम है जो कि हम इकट्ठा नहीं कर सकते, इससे बड़ा लाभ क्या है। केंद्र सरकार के बारे में हम तो यही कहेंगे कि इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी हैं, इतना बड़ा लाभ किसी गरीब आदमी को नहीं मिला, जो इस सरकार में जो है गरीबों की मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो ये काम किया और गरीबों के हित के लिए किया। हम तो यही सही कहेंगे कि इसी तरीके से करते रहे, शुक्रगुजार हूँ। केंद्र सरकार की इस योजना से सिर्फ एक अकील नहीं, उन सभी जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है जो पैसों की तंगी के चलते इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।